नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ढाई कड्डा में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पटना के पालीगंज में राहुल गांधी तेजस्वी के साथ चुनावी रैली कर रहे थे और इसी दौरान अचानक मंच टूट गया। राहुल गांधी गिरने से बाल बाल बचे और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये पटना से सामने आया। पटना के पालीगंज में राहुल गांधी साथ ही तेजस्वी यादव चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान आप ये देखिए, जब अचानक से मंच टूट पड़ा और राहुल गांधी गिरने से बाल बाल बचे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटना से जब मंच से गिरने से बाल बाल बचे राहुल गांधी, और हालांकि समय रहते हुए संभल गए, साथ में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से मंच नीचे की तरफ धसका, वहां से ऐसा लगा मानिए कि मंच पूरा गिर जाएगा, लेकिन संभल गए राहुल गांधी और गिरने से बाल बाल बचे। तो पटना के पालगंज में राहुल गांधी तेजस्वी यादव साथ में चुनावी रैली कर रहे थे और इसी दौरान का ये पूरा घटनाक्रम में इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं। और अचानक से मंच टूट गया, राहुल गांधी गिरने से बाल बाल बचते हुए नजर आए। तो खबर पटना से है, पटना के पालीगंज का ये पूरा मामला। और एक बार फिर से आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के पालीगंज की, जब राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे और साथ ही तेजस्वी यादव भी, जो कि चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। और इसी बीच कुछ मूवमेंट करने पर जो मंच है वो नीचे की तरफ धसक गया, हालांकि बाल बाल बचे राहुल गांधी गिरने से, और वहां पर जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने संभालने की भी कोशिश की। पटना के पालीगंज का यह पूरा मामला है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी है। नौतपे का आज तीसरा दिन है और भीषण गर्मी के कई शहरों में रिकॉर्ड टूट गए हैं। भोपाल, इंदौर समेत 40 जिलों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 30 से ज्यादा जगहों पर लू का अलर्ट भी जारी हुआ है। तो खबर मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी है। नौतपे का आज तीसरा दिन है और भीषण गर्मी के कई शहरों में रिकॉर्ड टूट गए हैं। भोपाल, इंदौर समेत 40 जिलों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तो वही मौसम विभाग रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही 30 से ज्यादा जगहों पर लू का भी अलर्ट जारी हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर भीषण गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है। भोपाल, इंदौर में खास तौर पे सबसे ज्यादा हीट देखने को मिलती है। लोगों का घरों से बाहर निकलना, किसी भी कामकाज के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ जो वोल्टेज की समस्या वो भी हो रही है। ज्यादा से ज्यादा बिजली की उपयोगिता बढ़ गई है और लोगों ने कई तरीके अपनाए हैं इस गर्मी से बचने के लिए। कुछ देसी नुस्खे भी हैं जिसे अपनाया जाता है ताकि इस भीषण गर्मी से कुछ बचाव किया जा सके। तरल पदार्थ लेते हुए नजर आते हैं, अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं, सीधे धूप के संपर्क में ना आए भरपूर कोशिश होती है। और भीषण गर्मी की थर्ड डिग्री टॉर्चर नौतपे का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी देख पाते हैं कि कई जगहों पर तेज लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। तो खंडवा में जल संकट के बीच अनूठा विरोध देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता और निगम नेता प्रतिपक्ष टावर पर चढ़ गए। निगम और कंपनी के खिलाफ विरोध जताया गया, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। नर्मदा जल परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। 8 दिनों से शहर में गहराया हुआ है जल संकट। पिछले 7 दिन में 4 बार फूट चुकी है योजना की पाइप। 200 करोड़ से अधिक की योजना है नर्मदा जल। खंडवा में जल संकट के बीच अनूठा विरोध ही देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस नेता और निगम नेता प्रतिपक्ष टावर पर चढ़े। निगम और कंपनी के खिलाफ विरोध जताया गया, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। नर्मदा जल परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। 8 दिनों में शहर में गहराया हुआ है जल संकट। पिछले 7 दिन में 4 बार जो पाइपलाइन है वो फूट चुकी है और 200 करोड़ से अधिक की योजना नर्मदा जल बताई जा रही है।
वहीं मुरैना के केलारस कस्बे में बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया, जहां पर गर्मी से बुजुर्ग की मौत की आशंका व्यक्त की गई है। सड़क पर मृत हालत अवस्था में मिला था बुजुर्ग का शव। और नौतपा के तीसरे दिन गर्मी का प्रसंग कहा जा रही है। सुबह 10 बजे पारा पहुंचा 41 डिग्री पार, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, और ये 45 डिग्री के पास जैसे पारा जाता है और ये बहुत हीट वेव महसूस किया जाता है, गर्म हवाएं चलती हैं, लू के थपेड़े पड़ते हैं और इस दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो गर्मी से बुजुर्ग की मौत की आशंका व्यक्त की गई है। बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है, मुरैना का पूरा मामला है। और गर्मी इन दिनों पूरे चरम पर है। गर्मी के कारण सिर्फ आम आदमी पशु पक्षी नहीं बल्कि विद्युत उपकरण भी बेहाल हैं। खबर मंदसौर के चंबल कॉलोनी स्थित विद्युत ग्रिड और बीपीएल चौराहा के विद्युत ग्रिड से है, जहां पर भीषण गर्मी के चलते विद्युत विभाग के उपकरण भी अधिकतम भार के कारण काफी गर्म हो रहा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, लेकिन लोड और गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। ऐसे में इनको ठंडा रखने के लिए विद्युत विभाग पंखे और कूलर का सहारा ले रहे हैं, ताकि आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। मंदसौर जिले में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिन का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और 45 डिग्री से राहत पाने के लिए लोग घरों में एसी कूलर पंखे का सहारा लेते हैं, और ये पंखे कूलर और जितने उपकरण है वो तभी सही सलामत चल पाएंगे जब यहाँ से विद्युत सप्लाई बराबर होती रहेगी। आमतौर पर विद्युत ग्रिड का तापमान 60-65 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन गर्मी इतनी है कि इनका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है और इनको ठंडा करने के लिए लगातार यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं। यही हालत जो है बीपीएल चौराहे पर विद्युत ग्रिड की है, वहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत गर्म हो गए हैं, वहाँ पर कूलर लगाया गया है और लगातार इनको ठंडा किया जा रहा है ताकि लोगों को बिजली पर्याप्त मात्रा मिलती रहे, अबाधित रूप से बिजली मिलती रहे, लोग पंखे और एसी कूलर उनके लगातार चलते रहे हैं। यही एमपीबी की कोशिश है कि उपकरण खराब नहीं होना चाहिए, विद्युत ग्रिड से सप्लाई बराबर होती रहना चाहिए ताकि लोग परेशान न हो और उनको जो बिजली मिल रही है वो अबाधित रूप से मिलती रहे, और गर्मी से कहीं ना कहीं से जो राहत देने वाली बात है पंखे कूलर एसी वो उनको लगातार ठंडी हवा देते रहे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। मंदसौर जिले में भीषण गर्मी का से संवाददाता सुशील कौशिक, भोपाल से प्रशांत शर्मा, आशीष जैन दमोह से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो सुशील आपके पास आते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में हम देख पा रहे हैं कि भीषण गर्मी है, 45 के पार भी कई इलाकों में पारा पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी है और गर्मी का आलम यह है कि जो पारा है नौतपे के तीसरे दिन 45 डिग्री से पार जा चुका है, 46 डिग्री के आसपास मैक्सिमम शहरों का तापमान चल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों की अगर बात करें, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां तापमान का पारा 46 डिग्री के आसपास चल रहा है और मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान जताया था कि इस बार नौतपे में भीषण गर्मी पड़ेगी, तो उसके मुताबिक भीषण गर्मी ही पड़ रही है, हीट वेव चल रही है। यही वजह है कि कई इलाकों में येलो अलर्ट के साथ ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ मौसम विभाग ने दिया था। इसके साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कि दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक के बीच हीट वेव चलने का खतरा है और इसमें जो सफ़र करने से बचना चाहिए, दोपहिया वाहनों से चलने से बचना चाहिए। इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्गों को इस 12 से 4 के गर्मी के दौरान घर से ना निकलने की सलाह दी। इसके साथ ही जो लोग निकल भी रहे हैं कामकाजी लोग, वो अपने साथ पानी सहित अन्य व्यवस्था जुटाएं ताकि गर्मी से किसी तरह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अब 10 जून तक इसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 2 जून तक ये नौतपे की गर्मी भीषण गर्मी रहेगी। बिल्कुल, प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, भोपाल में कैसी स्थिति है? अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे लोगों को परेशानी भी है और तीसरा दिन नौतपे का आज चल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें रेणु, तो सुबह से थपेड़े, लू के थपेड़े या कहें कि गर्म हवाओं के थपेड़े लगने शुरू हो जा रहे हैं। सुबह नहीं हो रही है बल्कि दोपहर हो रही है और बहुत और भारी परेशानी, सड़कों पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। इक्का दुक्का लोग अगर नज़र आते हैं तो वो केवल उन रेहड़ियों पर जहाँ शीतल पेय पदार्थ मिलता है वहीं पर आपको लोग नज़र आते हैं। लेकिन दूसरा, अगर दूसरी बात करें हम, तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बीते दिन ने तोड़ दिया है। 45 से ज़्यादा पारा, यानी 45.6 के पास
पारा जा पहुंचा भी थे दिन का, और 2016 में ज़रूर 46.7% अगर हम कहें तो भोपाल का अभी तक का सबसे ज़्यादा तापमान रहा था, लेकिन बीता दिन उसके बेहद नज़दीक पहुंच गया, और वो भी मई महीने का ही महीना था, मई 21 मई था जब 2016 में ये तापमान पहुँचा था। तो यानी अगर हम कहें तो भोपाल इस दौरान बहुत गर्म है, सबसे गर्म है तो कहना गलत नहीं होगा। लगातार लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, खतरा लगातार बना हुआ है, लोगों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। जब तक आपका बहुत जरूरी कोई काम नहीं है तो सड़कों पर मत आइए, घर से बाहर मत निकलिए, यही जो एक्सपर्ट्स हैं लगातार सलाह भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही लगातार मशविरा दे रहे हैं कि आप लगातार शरीर को हाइड्रेट बनाए रखिए, लगातार शीतल या फिर पानी लगातार पीते रहें अगर घर से बाहर हैं तो भी, धूप से कोशिश करें बचें, धूप से सीधा टकराव ना हो आपका तो ज्यादा बेहतर है, कोशिश यही करनी चाहिए हर व्यक्ति को राजधानी भोपाल में। बिल्कुल प्रशांत, और साथ ही दर्शकों के एक वीडियो भी दिखा रहे हैं टीवी पर कि एक महिला है जो छत पर धूप में ही कढ़ाई रखी है और उसमें वो पूरियां तल पा रही है, समझिए कि कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। आशीष भी जुड़े हैं, साथ ही खंडवा से अमित जायसवाल भी जुड़ चुके हैं, तो पहले तो आशीष के पास चलते हैं। आशीष, देख पाते हैं कि जो कस्बाई इलाके वहां पर पानी की भीषण समस्या देखने को मिलती है, लोगों के पास उपयोग के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर दिक्कतें ये देखने को मिलती है, महिलाएं इससे बहुत ज्यादा परेशान होती है, कैसे हालात है वहां पर गर्मी के चलते? आपको बताना चाहूंगा गर्मी का मौसम जो तेजी गर्मी है, दमोह जिले में भी 45 के ऊपर पारा पहुंच चुका है और नवतपे के 3 दिन जो हैं लगातार तप रहे हैं, और सुबह से ही इस तरह के हालात होते हैं कि लोग घरों से निकलना नहीं चाहते लेकिन परेशानी होती है। तो कस्बाई इलाकों की, ग्रामीण अंचलों की यदि हम बात करें तो यहां पानी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि फैशन के द्वारा दावा तो किया जाता था कि सभी को पानी दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण अंचलों की यदि हम बात करें, जो हमने आज खबर प्रमुखता से न्यूज 18 पर दिखाई है, उसमें करकोई नाम का गांव है, वहां पर लोग कुएं में नीचे उतर करके पानी भरने को मजबूर हैं, वहां से लोग पानी भर रहे हैं और तब उनकी कभी प्यास बुझ पा रही है। तो ग्रामीण अंचल में पानी की समस्या काफी बढ़ चली है। शहरी अंचलों की यदि बात करें तो वहां पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी तेज है कि लोग हलाकान हैं। अभी जो 2:30 बजे का वक्त है इसमें इतनी तेज लू चल रही है कि छाए में भी इस तरह से लग रहा है कि हम यहां पर खड़े कैसे हों। जो लोग कामकाजी लोग जो निकलते हैं उनको परेशानियां काफी होती है। तो कस्बाई इलाकों की, ग्रामीण अंचलों की जो स्थितियां हैं वो पानी संकट को लेकर के, जल संकट को लेकर के हैं और जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। शहरी अंचलों में भी लोग परेशान हैं, तो भीषण गर्मी से हैं और दमोह का तापमान जिस तरह से है कि अभी कुछ दिन पहले जो दमोह का तापमान था वो देश में सबसे अग्रणी जो टॉप 10 की जो लिस्ट थी उसमें दमोह का तापमान था। तो ऐसे में जो गर्मी की जो स्थिति है वो दमोह जिले के हाल लोगों के बेहाल है और लोग अब सड़कों पर नजर नहीं आते, सड़कें भी खाली नजर आती हैं और इस तरह की स्थिति दमोह के कस्बाई और ग्रामीण अंचलों की भी है, जहां पर जल संकट के चलते लोग काफी परेशान दिखे जा रहे हैं। बिल्कुल। और अमित, आपके पास आते हैं, खंडवा में कैसे हालात है, खासतौर पर ये भी बताइए कि पानी की उपलब्धता है या नहीं, लोगों को क्या पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, क्योंकि कई इलाकों में ऐसी ही समस्याएं ज्यादातर इस वक्त देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल, खंडवा की अगर बात करें तो ये पूरा जो निमार क्षेत्र है इसको गर्मी के लिए पहचाना जाता है और पारा लगातार 45 के पार बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से यही हाल है, निमार भट्टी की तरह तप रहा है और लोग परेशान हैं। इस बीच अगर पानी की बात करें तो जल संकट से भी लोगों को दो चार होना पड़ा है। खंडवा में जो पानी लाया गया है, नर्मदा जल 50 किलोमीटर दूर से लाया गया है और ये पाइपलाइन पिछले एक सप्ताह में 4 बार फूट चुकी है। लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है, चक्का जाम कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। आज विपक्ष ने भी आक्रोश जताया, यहां तक कि यहां के जो नेता प्रतिपक्ष है वो टावर पर भी चढ़ गए। उनका कहना है कि जल संकट से निजात दिलाई जाए, जो पाइपलाइन बार बार फूट रही है, जिस कंपनी ने ये पाइपलाइन डाली उस पर FIR की जाए। तो इस तरह के हालात है नौतपा में, लोग यहां परेशान है, अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो गर्मी से बचाव के जतन करके ही निकल रहे हैं, लगातार गलातर कर रहे हैं, लगातार वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से गर्मी इन दिनों प्रचंड पड़ रही है और इन दिनों देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, AC और कूलर के बावजूद लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन सरहद की हिफाजत में लगे जाबाज अपने जुनून से गर्मी के पसीने छुड़ा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। रेतीली सरहद पर चट्टानी हौसले, सीमा के रखवाले, वतन के मतवाले, जिनके जुनून से गर्मी के छूटे पसीने,
जब आसमान से आग बरस रही हो और धरती भट्टी की तरह तप रही हो, तब चिलचिलाती और प्राण लेने पर आमदा गर्मी के बारे में सवाल करने पर ऐसा जवाब वही दे सकता है जिसकी रगों में वतन परस्ती उबाल मार रही हो। जवाब सुनिए। मेरी सिखलाई इस प्रकार की है कि हम किसी भी मौसम में किसी भी तरह कितना भी डिग्री सेल्सियस पार कर जाए, लेकिन हम देश की रक्षा के लिए ड्यूटी करने के लिए तैयार है। इस हालात से गुजरने के लिए सर हमारे को ट्रेनिंग इस प्रकार की दी गई है ताकि इन हालातों से हम गुजर सके, और उसके साथ हमारे पास हर प्रकार के संसाधन प्रोवाइड किए गए। मान गए न जवानों के जुनून के आगे गर्मी के पसीने छूट रही हैं। मां भारती के ये वो सपूत हैं जिनका जुनून तपते रेगिस्तान में भी कम नहीं होता। तस्वीरें जैसलमेर की है जहां पारा 55 डिग्री पार कर चुका है, लेकिन मजाल है सीमा के रखवालों के हिम्मत का हिमालय तस्से-मस हो जाए। जिस तपती हुई रेत में आम आदमी का पल भर के लिए खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, वहां बीएसएफ जवानों के फौलादी हौसले मौसम की मार को ललकार रही है। सरहदी इलाकों में तैनात इन जवानों को सुबह से शाम तक जिस गर्म रेतीले बवंडर की तपिश का सामना करना पड़ता है, उसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। तापमान इतना हाई है कि जो ऊंट है, जो रेगिस्तान का जहाज जिसे बोला जाता है, उसके ही पांव जल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर पांव हमारे भी जल रहे हैं, पर जो अब बाहर निकले हैं देश की रक्षा के लिए निकले हैं, तो फिर क्या धूप है, क्या जल, क्या तापमान को देखना है, तो बस अपना ड्यूटी के ऊपर ध्यान देना है। ये तो रात दिन का काम है हमारा, हर मौसम में हम ड्यूटी करें, सीमा की सुरक्षा को बनाए रखें, और इस गर्मी तापमान में जो है किसी भी तापमान को सहने की हमारे को शक्ति दी गई। प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहां तक कि बोनट पर रोटी तक सिक रही तपिश ऐसी कि 10 मिनट ठहर जाए तो चेहरा झुलस जाए। गर्मी से बचने के लिए जवान सर पर टोपी, आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए भीषण गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। पूछने पर कहते हैं कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग उस प्रकार की है। दूसरा, हमें उच्च मुख्यालयों के द्वारा, वरीय अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने गॉगल्स लगा रखा है, पटका लगा रखा है, पानी की व्यवस्था होता है, नींबू पानी सभी जवान अपने साथ रखते हैं, ग्लूकोन डी लोग सभी अपने साथ रखते हैं। साथ ही कैंप में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है, मिनी एमआई रूम है हमारे पास, जहां पे कोई अगर बीमार होता है तो उसकी उचित देखभाल की जाती है। खास बात ये कि महिलाएं भी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रही हैं। सचमुच देश के लिए जज्बा हो तो इंसान गर्मी क्या किसी भी मुश्किल को आसानी से झेल सकता है, उसको चीर कर आगे बढ़ सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें तेज अंदाज में। रतलाम में प्याज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, टेम्पो को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, सड़क पर फैले प्याज को लूटने की मची हो गई। श्योपुर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, गर्मी का तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार, बीजेपी नेता ने बिना गैस स्टोव के सेकी पूरी। खंडवा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, ट्रॉली की टक्कर में हुई दोनों लोगों की मौत, नाराज लोगों ने किया चक्काजाम। रतलाम में पेड़ में लगी आग, धू धू कर जल उठा इमली का पेड़, दमकल ने पाया आग पर काबू। सीबीएम अपराधियों के ठिकाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर, आदिवासी रेप मामले में तीन आरोपियों के ठिकाने पर चला बुलडोजर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़।